नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेंद्र शुक्ला। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, यूपी के रायबरेली जिले में आज चैत्र नवरात्रि के पहले दिन देवी मां के दर्शनों के लिए भक्तों का जन सैलाब उबड़ा हुआ है। शहर के लगभग 150 साल पुराने मनसा देवी मंदिर में आज नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री के रूप में दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां मनसा देवी के मंदिर में भक्तों की इतनी आस्था है कि जो भी सच्चे मन से मां के दरबार में आता है उसकी सारी मनोकामनाएं मां पूरा कर देती है। शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित मनसा देवी मंदिर में सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचकर मां के दरबार में आरती पूजन और दर्शन कर रहे हैं। आज से मां दुर्गा 9 दिन की यात्रा यानी कि आज से नवरात्रि शुरू हो गई है और मां की आरती पूजन के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं और पूजन करते दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहां पर आने वाले सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिस भरोसे से एक बेटा अपनी माँ के पास चॉकलेट खाने के लिए पैसे मांगने आता है और माँ उसे पैसे दे देती है, उसी तरह माँ दुर्गा के दरबार में आने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं माँ वैसे ही पूरा कर देती है जैसे एक बेटे की चॉकलेट की इच्छा माँ 5 मिनट में पूरी कर देती है। इसी आस्था और विश्वास के साथ सैकड़ों की संख्या में सैकड़ों किलोमीटर दूर से दर्शन करने के लिए इस मंदिर में सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और देवी मां के चरणों में शीश नवाकर अपनी मनोकामनाओं पूरा होने की आशीर्वाद की कामना करते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि दूर दूर से हजारों की संख्या में इस मंदिर में भक्त पहुंचते हैं, मां की आरती पूजन में शामिल होते हैं। इसी तरह की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए NTV निष्पक्ष के साथ।